Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So आज है 25th December, Christmas. Wishing you all a blessed and a merry Christmas. तो अभी हम सब जाने वाले हैं बाहर. हमने रेजोल्यूशन की है बारबेक्यू नेशन के लिए, तो अभी हम लोग सब लोग जाएंगे वहाँ पर. एंड अभी मुझे रेडी होना है, और मुझे ऐसे एक घंटे पहले से ऐसे लग ही रहा था कि मैं शॉन के कपड़े आयन कर लूँ, क्योंकि अगर करंट चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था. बट लेजीनेस में मैंने कुछ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने एक्चुअली उसके कपड़े कबर्ड से निकाले, मैंने सोचा कर लेती हूँ आयन, और लाइट चली गई. क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि बहुत बार ना, मेरे साथ बहुत ऐसे होता है कि मुझे इंट्यूशन आती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और वो हमेशा वैसे होता ही है. तो वो वैसे ही हुआ, अभी उसके कपड़े ऐसे ही पड़े हैं. मैंने अभी तक आयन नहीं किया है, बस मैंने होपफुली सुबह नहाने के बाद ही मैंने ना स्ट्रेटनिंग कर लिया था, तो स्ट्रेटनिंग का तो टेंशन नहीं है. और जो मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ उसको भी आयनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है. बट ना यहाँ पे गर्मी बहुत है, एंड गर्मी की वजह से बहुत स्वेटिंग होता है, और मुझे मेकअप करना है, तो स्वेटिंग के वजह से वो मेकअप ठीक से होगा नहीं. बिना फैन के बहुत चिक चिक होगी. अभी पता नहीं, आई जस्ट होप एंड प्रे कि करंट आ जाए जल्दी से. एक बार लाइट आ गई तो मैं रेडी होना स्टार्ट कर दूंगी, एंड फिर चलते हैं बाहर. स्टे ट्यून्ड. तो मैं ये वाला आउटफिट पहनने वाली हूँ. ये मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, बिकॉज इट इज़ क्रिसमस, सो मैंने रेड ऑर्डर किया है. एंड ड्रेस तो ये मैं पहनने वाली हूँ, ये तो कंफर्म है. बट मैं ना सिर्फ इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा बेल्ट पहनूँ, और ये ड्रेस जो है थोड़ा लूज है, तो मैं सोची थी कि इस पे बेल्ट पहनूँ. देखो, एक ये है मेरे पास, एक ये वाला है, एक ये गोल्डन, और एक ये. तो मैं बस वो कंफ्यूज हूँ. और यहाँ पे ना लकीली एक ऐसा पैच दिया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब मैं बेल्ट पहनूंगी तो वो परफेक्ट लगेगा, और बेल्ट के वजह से शायद थोड़ा टाइट भी लगे और अच्छा लुक आए. दैट इज़ व्हाट आई होप. सो लेट्स सी, रेडी होके देखती हूँ कि कौन सा मैं डिसाइड करती हूँ और कैसे लगेगा. तो हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने पहन लिया है अपना आउटफिट. हम एक्चुअली हो गए हैं लेट, इट इज़ 6:30, और जो लोकेशन है वो थोड़ा दूर है. 45 मिनट्स, तो एक घंटा तो आराम से लग जाता है. तो अभी हमारा जो बुकिंग है वो 7:30 का है. आई होप हम जल्दी पहुँच जाए, क्रिसमस है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होगा. सो लेट्स सी, और अभी हम चलते हैं. तो निकल चुके थे हम, और रास्ते में जाते वक्त मुझे इतना प्यारा सा लाइटिंग एंड डेकोरेशन दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुंदर सुंदर लाइट्स एंड डेकोरेशन फेस्टिवल के टाइम पे. बहुत अलग माहौल और एकदम पॉजिटिव वाइब मिलता है. मोस्टली मैंने ये केरला में ही देखा है कि क्रिसमस के टाइम ये लोग ना मोस्टली पूरी स्ट्रीट में लाइटिंग कर देते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है. पुणे में तो मैंने सिर्फ मॉल्स में या फिर कैफेज़ रेस्टोरेंट में देखा था, तो यहाँ पर हर स्ट्रीट पे होता है. एंड उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे, एंड हमको स्टार्टर सर्व हो रहा था. हमने 4 नॉन वेज और 1 वेज लिया था. तो यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट टर्न था स्टार्टर्स खाने का. बारबेक्यू नेशन की यही खासियत है कि आपको वैरायटी बहुत मिलता है. बट क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि वैरायटी बहुत है, बहुत खाने मिलेगा, बट जब इतना सारा खाना आ जाता है ना सामने, तभी हम ज़्यादा नहीं खा पाते. तो साइड में ये फ्लैग रखा होता है, जब हमें स्टार्टर्स मतलब बस हो गया रहता है और नहीं खाना रहता है, तो हमको फ्लैग नीचे कर देना था. और मेरा सबसे फेवरेट कॉर्न. उसके बाद में मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉन्स फ्राई ट्राई किया, और यहाँ पे शॉन कॉर्न खा रहा था और चिकन खा रहा था. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूँ कि ये आउटलेट कैसा है. बेसिकली ये आउटलेट बारबेक्यू नेशन लुलू मॉल का है. काफ़ी सुंदर है, एंड इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड. खाना भी बहुत टेस्टी होता है. मैंने सिर्फ एक साइड का शूट किया था. उसके बाद में हम लोग गए खाना खाने के लिए, और हमने सबसे पहले लिया बिरयानी. अनडाउटेडली बिरयानी इज़ द फर्स्ट थिंग जो सब लोग को पसंद है, एंड स्पेशली शॉन का फेवरेट है. वो 365 डेज सिर्फ बिरयानी खा सकता है. तो यहाँ का बिरयानी हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और हम लोग वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे और मुझको डाल वो खाने.
था और शॉन ने पुलिस से तो टेस्ट डिड यू टेस्ट इट चिली हाँ हनी चिली चिकन ढूंढ दिया था तो उसने मुझे बुलाया उसको पता नहीं जैसे पेड और अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो भी ट्राई कर रहे तो हम लोग ने वो ले लिया और हम सोच रहे थे अभी नेक्स्ट क्या ले और यहाँ पे खड़े खड़े में पापड़ ऐसे उसके बाद में मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं बिरयानी और मैंने बिरयानी ट्राई किया अच्छा था आई वुड नॉट से बैड बट लास्ट टाइम जब हम आए थे ना वो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हो गए थे तो इस बार हमें ऐसे ठीक ठाक लगा इतना खास नहीं लगा। उसके बाद में मैंने ट्राई किया हनी चिली और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ यहाँ पे जो है ये सैलड का सेक्शन है जहाँ पे कैरट्स स्प्राउट्स अनियन कुकुम्बर एंड ऑल होता है ये वाला आइसक्रीम का सेक्शन है। यहाँ पे नॉर्मल आइसक्रीम स्कूप वाला भी मिलता है एंड कुल्फी भी मिलता है एंड ये जो था वो पूरा डेजर्ट का सेक्शन था। डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से पेस्ट्री टाइप केक्स थे और ये वाला बहुत टेस्टी था एंड नीचे वाले सेक्शन में भी उन्होंने फ्रूट्स रखे थे। और ये ऐसे काउंटर होता है यहाँ पे आपको ड्रिंक्स भी मिलता है एंड ये डेजर्ट का सेक्शन था। यहाँ पे था गुलाब जामुन उसके बाजू में था पायसम और दोनों भी मैंने नहीं ट्राई किया और उसके बाजू में था ये मूंग दाल का हलवा जो मैंने ट्राई किया और जो काफ़ी टेस्टी था। ये ब्राउनी मैं दिखा तो रही हूँ पर ये मैंने नहीं ट्राई किया मैंने टेस्ट नहीं किया। और देखो ये लेफ्ट साइड का सेक्शन है और यहाँ पे मेरा बिरयानी खाकर हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा मीठा खा लेती हूँ तो एक एक करके मैं सारा ले रही थी एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ये पूरा फिनिश कर दूँ। वीडियो के लिए मैंने ले तो लिया इतना सब बट मैंने पूरा खाया मैंने कुछ वेस्ट नहीं किया मैंने सारा का सारा खा लिया था। बस ऐसे मन तो करता है कि सब खा लूँ बट पूरा कभी हम ट्राई नहीं कर पाते यू नो। और आई हैव अ स्वीट टूथ मुझे मीठा बहुत पसंद है हर एक मील के बाद में मुझे थोड़ा मीठा तो कंपलसरी चाहिए होता है मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है जो मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया था। उसके बाद में शॉन की मम्मी आई थी मूंग दाल लेने के लिए मैंने उनको बोला मुझे भी थोड़ा देना और उन्होंने मूंग दाल का हलवा और पायसम लिया। पायसम तो मैंने नहीं लिया बट मूंग दाल का हलवा काफ़ी टेस्टी था। पायसम जो था वो एकदम ऐसे पानी पानी जैसे दिख रहा था तो शॉन की मम्मी मुझे बोल रही थी इट इज़ लुकिंग लाइक वाटर। तो यहाँ पे हमने खाया हमारा स्वीट डिश और एंड में जाने के पहले मैंने बोला मुझे पानी पूरी खाना है पानी पूरी खाया और फिर मैंने खाना बंद कर दिया और जाते वक्त मम्मी वेरी गुड लुक हियर हियर दिस साइड कैसे था। उसके बाद में हम लोग घर आए और हमें देखना था कि ये गिफ्ट में क्या है और हमने इसको खोला और उसमें मिला केक तो ये केक हमने दे दिया रूबी को। और जाते वक्त मैंने बारबेक्यू नेशन से ये लिया था सौफ और किस किस को आदत होती है ऐसे जाते वक्त से 3-4 पैकेट सौफ का उठा लेते। तो आ गए हैं हम घर और मैंने चेंज कर लिया है काफ़ी लेट हो गया है 11:30 हो गया है बहुत थक गई हूँ और मैंने हील्स पहना था इसलिए मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। फटाफट से मैंने चेंज कर लिया अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है अभी जाके सो जाऊंगी एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।